संयोजक हैं और आदरणीय विधायक हमारे, आदरणीय मोतीलाल मीणा जी संभाग के हमारे प्रभारी, आदरणीय ओम प्रकाश शर्मा जी पूर्व विधायक, आदरणीय रविंद्र सहाय जी, जिनका आशीर्वाद अभी मुझे लेने का मौका भी मिला, जिन्होंने इमरजेंसी के दौरान, आज हम काला दिवस भी मनाते हैं, आप सभी को विदित है, तो उनसे भी आज मुझे आशीर्वाद देने का मौका मिला, मैं धन्यवाद दूंगी इस मंच का। मेरे साथ मेरे युवा मोर्चा के इस जिले के अध्यक्ष अखिलेश भाई भी यहाँ पर उपस्थित हैं और आज दिन भर मुझे इस जिले में प्रवास करने का मौका मिला विभिन्न क्षेत्रों में। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि पिछले 1.5 साल से मैं इस राजस्थान की वीर भूमि में प्रभारी के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूँ और मैं ये कह सकती हूँ हर जगह ये कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। तो पहले जब राजस्थान में मैंने काम नहीं किया था, केवल राजस्थान को एक रंगों के प्रदेश के रूप में जाना जाता था, तो राजस्थान से ध्यान में आते थे बड़े बड़े फोर्ट, सुंदर मंदिर, बहुत सारे रंग। लेकिन जब यहाँ राजस्थान में मुझे काम करने का मौका मिला तो समझ में आया कि राजस्थान सच में एक वीरों की भूमि है और जहाँ राष्ट्रवाद है वहाँ भारतीय जनता पार्टी है। ये भी आज पूरे देश को समझ में आ चुका है कि अगर राष्ट्र की चिंता किसी पार्टी को है, अगर इस देश को आगे बढ़ाने का और विश्वगुरु बनाने का सपना किसी पार्टी ने देखा है और उसके लिए निरंतर प्रयासरत है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आज हमारे साथ जितने यहाँ वरिष्ठ साथी मौजूद हैं, प्राय मुझे युवा मोर्चा के मंचों पर भाषण देने का मौका मिलता है भाई साहब, तो उनके साथ जो बातें होती हैं वो बहुत अलग प्रकार की होती हैं। लेकिन आज जिस मंच से और जिन वरिष्ठ साथियों से मैं बातें कर रही हूँ, ये आप वो लोग हैं जिन्होंने समाज को बदलते हुए देखा है, इस देश को बदलते हुए देखा है। आज हमारे साथ ऐसे सहाय जी जैसे हमारे बहुत वरिष्ठ लोग मौजूद हैं जिन्होंने जेल की यातनाएं सही हैं इमरजेंसी के दौरान। और जब मैं अपने युवा साथियों से बात करती हूँ और हम उनको आग्रह करते हैं, बताते हैं कि मोदी जी ने उज्ज्वला दे दिया 9.5 करोड़ और आजादी के वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष रहे आचार्य कृपलानी की नेहरू जी के साथ लगातार बनातरी चलती रही और आखिरकार उन्होंने 1951 में कांग्रेस पार्टी का छोड़नी पड़ी। इसके साथ ही पुरुषोत्तम दास टंडन के अध्यक्ष बनने पर नेहरू ने कांग्रेस पर की कॉम्पिटिशन। 1950 के बाद कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से नेहरू की छाया में चली गई। 1951 से 54 तक नेहरू देश के प्रधानमंत्री भी रहे और कांग्रेस के अध्यक्ष। 1959 में नेहरू ने राजनीतिक वंशवाद की नींव रखी, अपनी बेटी इंदिरा को ही पार्टी की कमान पकड़ा, पिता प्रधानमंत्री बेटी पार्टी प्रधानमंत्री बनाया गया और फिर 1969 में इंडिया ने सारे सीनियर नेताओं को कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखाते हुए कांग्रेस पर पूरी तरह से कब्जा जमा लिया। 1969 तक आते आते इंदिरा गांधी के पास प्रधानमंत्री पद की कुर्सी और कांग्रेस पार्टी दोनों। इस देश को जितना नुकसान मुगलों ने नहीं पहुंचाया, चंगेजों ने नहीं पहुंचाया, अंग्रेजों ने नहीं पहुंचाया, उससे बहन अधिक नुकसान एक परिवार तथाकथित नेहरू परिवार ने पहुंचाया। क्या दिया उसने इस देश को? भय, भ्रष्टाचार और भूख। क्या दिया उसने इस देश को? 3 नासूर। पहला नासूर तुष्टिकरण, मुस्लिम अपीजमेंट, और यहां तक कहा गया इस देश के संसाधन पर पहला हक मुस्लिमों का है, यानी हिंदू दोहरा नागरिक है उसका अधिकार दूसरे नंबर पर। दूसरा दिया भ्रष्टाचार। आज जो विकास की गाथा बहन ने अभी यहां गाई उसका कारण है भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस। नरेंद्र भाई मोदी ने कहा था, जैसा चंद्रकांता बहन ने बताया था, न खाऊंगा। एक बात और कही थी, अब तक जितना खाया वो उगलवाऊंगा। और यही समस्या है वर्तमान की, जिनके भ्रष्टाचार को बाहर निकाला जा रहा है। मित्रों,
एक सामंती मानसिकता से नेहरू परिवार निकला और आज भी है। जब कोर्ट राहुल गांधी को सजा देता है तो कांग्रेस कहती है राहुल बाबू को सजा, क्या मजाक हो रही है। जब उनको दुनिया हिंदुस्तान का लोकतंत्र रद्दी की टोकरी में डाल देता है तो अमेरिका जाकर राहुल बाबा कहते हैं हिंदुस्तान का लोकतंत्र खतरे में है, हिंदुस्तान की संवैधानिक संस्थाओं को बंधक बनाया जा रहा है, उन्हें आरएसएस का गुलाम बनाया जा रहा है। उसकी दादी ने क्या किया, उसकी नानी ने क्या किया। मित्रों, ये जो आपातकाल का विषय है, मुझे खुशी होती मैं इन दोनों को सुनता, परंतु आज मुझे बोलना है और जिनको बोलना चाहिए उसको सुनना है। मैं अपने 1975 इतिहास की पुनरावृत्ति स्मरण करा रहा हूं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन सिन्हा ने एक फैसला दिया और उस फैसले के उस वर्डिक्ट की खासियत यह थी, इंदिरा गांधी ने जो 1971 में चुनाव जीता उस चुनाव को रद्द कर दिया गया और जिसको हरा दिया गया उन राजनारायण को निर्वाचित घोषित कर दिया गया और इंदिरा जी को 6 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया गया। यह आपातकाल इस 12 जून के इस वर्डिक्ट की पृष्ठभूमि में यह मुख्य बात है। इंदिरा जी को लगा मैं क्या करूं, इंदिरा जी सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस निर्णय पर पूरा स्टे नहीं दिया लेकिन रिवीजन एक्सेप्ट कर ली। तब उसको लगा मुझे क्या करना चाहिए, उसका ताना बाना 12 जून से बनना शुरू हुआ। उस समय गुजरात के अंदर नवनिर्माण आंदोलन चल रहा था और कांग्रेस के भ्रष्टाचार से नौजवान उकता गए थे, उन्होंने कहा था सिंहासन खाली करो और उसी समय चिमन भाई पटेल जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे और गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जनता के दबाव के आगे उन्हें इस्तीफा देकर जनता की अदालत के कटघरे में खड़ा होना पड़ा और उसी समय लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बिहार के पटना से एक क्रांतिकारी आंदोलन प्रारंभ हुआ, युग परिवर्तक आंदोलन प्रारंभ हुआ और जयप्रकाश नारायण ने 25 जून 1975 आज के ठीक 48 सबसे बड़ी जनसभा की। ओम जी साक्षी हैं, ये थे उपस्थित, उसके अंदर हम जैसे बहुत नौजवान थे, शायद मैं भी था। मैं शायद इसलिए बोलता हूं कोई मेरा नाम बोलता ही। उसमें उन्होंने एक ऐतिहासिक नारा दिया, सिंहासन खाली करो कि जनता, सिंहासन खाली करो कि जनता, जिसके समझ में आया पीछे वाले भी बोलो सिंहासन खाली करो कि जनता। इंदिरा जी को लगा अब मुझे इस्तीफा देकर एक सामान्य नागरिक का जीवन जीना पड़ेगा या फिर मुझे विदेश भागना पड़ेगा। उसी रात को 25 जून की रात, पहले हर घर में एक पप्पू होता था ना बच्चा, अरे होता था नहीं होता था, 10 वर्षों में किसी घर में किसी बच्चे का नाम किसी ने पप्पू रखा क्या, इससे बड़ा योगदान क्या हो सकता। लेकिन आपका केस करने के लिए बोला, मेरी ये भावना नहीं थी जो मैंने बोला। मित्रों, मुझे वो 25 जून 1975 की रात और 26 जून का उपरांतकाल का काला दिन जब हमारे सारे नेता एक रात में जेल में थे, संघ पर प्रतिबंध लगा बाद में, लेकिन संघ के सरसंघ चालक से लेकर तमाम राष्ट्रवादी लोगों को, जैसा भी जिला अध्यक्ष ने कहा, जेल के शिक्षों में मीसा के अंदर ठूंस दिया गया। और मीसा क्या है, आपने टाडा सुना होगा कि टाडा से 100 गुना काला कानून, जिसमें कोई भी डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसी भी व्यक्ति को आजीवन बिना ट्रायल के बिना चार्जशीट के बिना कारण बताए जेल में निबंधन रखकर और उसका जीवन बर्बाद कर सकता है, तो गवाह के सामने बैठे तो भुक्तभोगी आपके सामने।
कि लोकतंत्र की बात करते हैं शोभा देता है क्यों? मित्रों, एक शब्द भी किसी ने इंदिरा जी के खिलाफ बोल दिया, डिटेन, बहुत ही अनलिमिटेड पीरियड। और ये धन्य है दिशा में जो लोग गए, धन्य है लोकतंत्र सेनानी जिन्होंने सत्याग्रह करके गिरफ्तारी दी, उन्होंने अपने यौवन को मां भारती के चरणों में समर्पित कर देंगे। इस संकल्प के साथ आपातकाल के युद्ध को लड़कर विजय हासिल की, मैं इनका नमन करता हूं। पूरा देश प्रस्तुत आपको सुनती, लेकिन सुब्रमण्य स्वामी नहीं थे। एक पास प्री रिकॉर्डेड, फिर एक महीने बाहर गए। इस प्रकार का आंदोलन मुझे याद है, मैं अजमेर के अंदर स्टूडेंट था। जेल से निकलने के बाद मुझे कहा गया तुम अजमेर में पढ़िए, भीलवाड़ा तो पुलिस सीआईडी तुमको जानती है, तुम्हारा यहाँ कोई उपयोग नहीं है, तो तुम्हारा उपयोग अजमेर होगा। हमने दो फोटो देखे इंदिरा जी के, मुझे लगा ये क्या लिखा हुआ अनशन। मैंने कहा आज रात को तारीख पोतूंगा, एक पे पोत दी, दूसरे पे मैं किसी के कंधे पे चढ़ के पोत रहा था, आ भाई पुलिस। डरते तो हम भी थे पुलिस से, मारपीट होती थी, हिम्मत करना अलग बात है, डर तो मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। मुझे लगा मैं करूं क्या, मेरे साथी को पुलिस ने पकड़ लिया, मैंने जो डामर का डब्बा था ना काला काला, उसको मारा पुलिस के माथे पर, और वहां से हम भागे। हम 22 साल के नौजवान, वो पुलिस वाला को कैसे पकड़ सकता था हम जानते, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो पकड़ में आ गए उनके साथ है नाम उसकी अत्याचार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, बीजेपी जिंदाबाद, 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 बीजेपी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप सबके चरणों में वंदन। आज पूरे देश में 25 जनवरी 1975 को जो आपातकाल लगाया गया, उसके काले दिवस के रूप में जो हिंदुस्तान के लोकतंत्र सेनानी मनाते हैं, ऐसे विशेष दिन बूंदी जिले का प्रबुद्ध जन सम्मेलन संपन्न हुआ। लोकतंत्र की डींगे हांकने वाले, अमेरिका में जाकर भारत को बदनाम करने वाले, राहुल की असलियत क्या है, उसकी माँ और दादी की असलियत क्या है, इससे प्रबुद्ध जनों को अवगत कराया गया। किस प्रकार से कोर्ट का अपमान करते हुए, कोर्ट के निर्णय की धज्जियां उड़ाते हुए, अपनी सत्ता में बरकरार रहने के लिए इंदिरा जी ने 25 जून 1975 की काली रात को देश में आपातकाल लगाकर, उस दौरान 1,00,000 नौजवानों को DIR में और 30,000 वरिष्ठ लोगों को मीसा में बंद करके अमानुषिक यातनाएं दी गई, वो इतिहास आने वाली पीढ़ी के सामने आए, कांग्रेस की असलियत सामने आए, उसी उद्देश्य से आज यहाँ का सम्मेलन आयोजित किया गया और इसी विषय पर हम लोगों ने हमारा प्रकाश। ये अशोक जी तो कहते हैं मैं जादूगर हूँ, अगर इनको महंगाई कम करनी है, हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा महंगा डीजल और पेट्रोल, उसका सबसे ज़्यादा टैक्स राजस्थान में है, वो कम करे और 4.5 बरस में जो टैक्स ज़्यादा ले लिया वो जनता के खाते में डाले। वो कहती है हम बिजली की दर नहीं बढ़ाएंगे, 25वीं बार परोक्ष रूप से बिजली की रेटें बढ़ाई गई, मतदाता के साथ छलावा किया गया, वो पैसा उनको वापस दे दे। कांग्रेस कहती है हम 100 यूनिट फ्री करेंगे, अभी फ्री करी थी कर्नाटक में, राज आते ही आपको पता है क्या, 3.89 रुपये प्रति यूनिट का तोहफा बढ़ाने का कांग्रेस सरकार ने कर्नाटक को दिया है। पिछली बार भी छलावा किया किसानों के साथ ऋण माफी का, नौजवानों के साथ, और बिजली की दरें नहीं बढ़ाने का, और 4.5 साल लूटा। क्या ये सरकार आने वाले 5 महीने के लिए निर्वाचित हुई? क्या 4 साल 7 महीने इनका कोई जनता के प्रति उत्तरदायित्व तो नहीं था? अब जनता इस मुगालते में आने वाली नहीं है, राहत कैंप ढकोसला है, अब जनता के सामने कांग्रेस बेनकाब है और राजस्थान में भाजपा का कमल खिलने वाला। भारतीय जनता पार्टी में एक व्यक्ति कोई फैसला नहीं करता, ये सामूहिक नेतृत्व की पार्टी है। संसदीय बोर्ड जो फैसला करेगा
एमएलए की राय लेकर वो मुख्यमंत्री बन जाएगा, हमारा कोई इश्यू ही नहीं है, हम लोकतांत्रिक हैं। कार्यकर्ताओं को एक ही आह्वान करता हूँ, केंद्र सरकार की उपलब्धियों को और राज्य सरकार की नाकामियों को जनता की अदालत तक ले जाकर नवंबर 2023 में राजस्थान में कमल खिला के मोदी का हौसला अफजाई करना है, ये आह्वान हमने कार्यकर्ताओं को।